अब जो आता है ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या समझने के लिए है कि ह्यूमन ब्रेन किस प्रकार से काम करता है। बेसिकली इस ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझने के लिए हमें पहले ये समझना था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS क्या होता है। पहली चीज़ हमें ये समझ में आनी चाहिए, CNS बोलते हैं हम हमारे ब्रेन को, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं CNS। स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? CNS, दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को ही बोलते हैं हम, दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर साइड साइड में जो नर्वस सिस्टम होता है उसे बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। हमारे शरीर का जो हर एक हिस्सा है वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लाता है, दैट मीन्स हम बात करें कि PNS क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, हर जगह से इकट्ठा करता है इन्फॉर्मेशन, ये करता है सिग्नल्स को ले जाता है और इकट्ठा करता है कहाँ पर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर देता है स्पाइनल कॉर्ड पर, कौन? PNS। स्पाइनल कॉर्ड देन आफ्टर क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड उस सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचा देता है और ब्रेन फिर उसके पास रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। कलेक्ट करने का मतलब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने के लिए बोलते हैं हम कलेक्ट करना, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, सबको कलेक्ट कर लेना। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? PNS। एंड देन आफ्टर इट विल बी सेंडेड, सेंडिंग टू दैट पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये कर लेता है आपका इंटीग्रेट स्पाइनल कॉर्ड, फिर सारी जो टोटल शरीर के अंदर स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उन सबको इकट्ठा करके स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुँचाता है। PNS एक सिग्नल को पकड़ता है, बहुत सारे हो सकते हैं, PNS में जो सिग्नल्स कलेक्ट होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, मे बी आप एक साथ बहुत सारे काम करते हो, मल्टी टास्क करते हैं हम। इसके बाद जो आता है वो ये आता है कि हमारे ब्रेन के बारे में, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। फिर इसके बाद आता है ब्रेन के बारे में, ब्रेन क्या होता है? बेसिकली ब्रेन का काम होता है इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स करने का काम, जो मेन बेसिक काम होता है ब्रेन का वो होता है रिस्पॉन्सिंग करने का, रिस्पॉन्ड करने का, ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमारा ब्रेन दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, ये हमने पढ़ा है, वॉलेंट्री, पहला दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, एक वॉलेंट्री जो अपनी इच्छा से होता है, इनवॉलेंट्री वे में बात करता है, इनवॉलेंट्री तरीके से बात कर रहा करता है, वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से होता है, इनवॉलेंट्री किसे कहते हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होता। बेसिकली ब्रेन का काम इस तरीके से होता है। अब ब्रेन के अंदर आते हैं तीन पार्ट, ब्रेन के होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके बाद ब्लू कलर में देख रहे हो आप, ब्रेन के होते हैं तीन पार्ट्स, बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। पहला जो पार्ट सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन, जो सबसे ऊपर, चार तीन ब्रेन होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, तो पहला होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, FORBR ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, FOR फोर ब्रेन, सबसे ऊपर वाला होता है फोर ब्रेन। फिर उसके बीच वाला होता है उससे नीचे वाला, फोर ब्रेन से नीचे वाला ब्रेन होता है, पार्ट होता है मिड ब्रेन। एंड फिर आफ्टर दैट सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो फोर ब्रेन होता है ना, वो फोर ब्रेन का काम, जो काम होता है फोर ब्रेन, बेसिकली फोर ब्रेन हमारा वॉलेंट्री काम करते हैं, बेसिक समझना इस चीज़ को, कि फोर ब्रेन जो होता है ना, फोर ब्रेन सबसे ऊपर होता है जिसमें हमारा सेरेब्रम आता है, सेरेब्रम जिसका सोचने का, थिंकिंग, काम करने का, मतलब जिसमें हमने पैराइटल लोब पढ़ा था, फ्रंटल लोब पढ़ा था, इवन बात करें हमने ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब पढ़ा था, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। ये सब क्या करते हैं, फोर ब्रेन क्या काम करता है, मैक्सिमम वॉलेंट्री काम करते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस एक्सेप्ट करते हैं फोर ब्रेन। फिर आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का काम और हिंड ब्रेन का काम, ये दोनों ज़्यादातर हमारे इनवॉलेंट्री काम करते हैं, जैसे सांस लेना, सांस लेना इनवॉलेंट्री है, हम ऑटोमेटिक सांस लेते हैं, हार्ट का बीट होना, पसीना आना गर्मी के टाइम पर और सर्दी में हमें कप कप आना, तो ये सब किसके काम होते हैं, मिड ब्रेन का और हिंड ब्रेन का। ये सब, ये दोनों ही कैसे काम करते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, मतलब इनवॉलेंट्री काम करते हैं जो हमारी इच्छा से नहीं होता। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फोर ब्रेन का काम मैक्सिमम ये होता है कि वॉलेंट्री, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का काम मैक्सिमम होता है इनवॉलेंट्री। यही बातें आपको इस किताब में दे रखा है, यही बातें जो बताई है मैंने अभी आपको, कुल मिल सारी बातें जो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, यही बातें आपको इस पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं सब सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आई होप आपको समझ में ये पैराग्राफ भी जल्दी आ जाएगा। जितनी आसानी से आपको ये पूरी बातें समझ में आई है उतनी आसानी से आपको पैराग्राफ भी समझ में आने वाला है।
सो अगेन इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, या तो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट इज़ द बेटर वन ऑप्शन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या क्या है इसके अंदर दे रखा है, इज रिफ्लेक्स एक्शन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कि भाई ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही हो, मतलब एक पर्टिकुलर पूछ रहा है ओनली, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन पूछ रहा है, अकेला स्पाइनल कॉर्ड का ही काम होता है? नहीं होता, अकेला स्पाइनल कॉर्ड का काम नहीं होता, वो बेसिकली पूरा PNS और हमारा ब्रेन भी इंक्लूड होता है। तो ये बात इसमें दे रखी है यहाँ पर कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी आर थिंकिंग बींग, हम एक ह्यूमन बींग्स है, दैट मीन्स थिंकिंग बींग्स है, हम सोचने वाले इंसान हैं, हम सोचते हैं हर चीज़ में सोचते हैं। फिर आफ्टर दैट स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स, और जो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नर्व से मिलकर बनी होती है, जो नर्व सेल होती है उनसे मिलकर बनी होती है स्पाइनल कॉर्ड, विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, मीडियम का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसमें ज़्यादातर बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये, जिसमें हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, किसी के दिमाग को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जिसने ये चीज़ कला सीखी है ना, ह्यूमन नेचर क्या होता है, ये सब इसके अंदर ही आता है कि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का नेचर क्या है, ह्यूमन कब ऐसा क्यों करता है, तो ये सब हमारा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आसान नहीं होता इसको समझना। उसके बाद आता है दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन, जो भी हम करते हैं, गतिविधि करते हैं, हम आसपास में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं किसी को, ध्यान से देखते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, हमारे दिमाग के अंदर इकट्ठी हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन होता है वो कोऑर्डिनेटिंग मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, जो सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है, जो दिमाग होता है हमारा। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, कि ये हमारे शरीर में से सभी में से क्या करता है, पूरे शरीर में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और हमारे ब्रेन तक पहुँचा देता है। फिर आफ्टर दैट, इसके बाद हमें समझना है यहाँ पर कि वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, हम अपने एक्शंस के बारे में भी समझते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, हम अपने एक्शंस के बारे में भी समझते हैं, देखते हैं, जैसे कि राइटिंग हो गया, हम लिखते हैं, उसको लिखते वक्त है, तो कई बार तो हम जब छोटे थे तब हम उसको क्या कर रहे थे, वॉलेंट्री वे में करते थे, हमारी इच्छा के अनुसार हम किसी शब्द को लिख रहे थे। बट आफ्टर दैट हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारा जो लिखने का काम हो गया वो इनवॉलेंट्री हो गया, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ लिखते तो सोच के नहीं लिखते हैं, मतलब सोच सोच कर नहीं लिखते कि कैसे ए बनाते हैं, कैसे बी बनाते हैं, तो ऐसे नहीं, हम सिर्फ लिख देते हैं, हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन कन्वर्ट हो गया। वॉलेंट्री किस में कन्वर्ट हो गया? इनवॉलेंट्री में। और इनवॉलेंट्री एक्शन कब बनता है? जब हमारी प्रैक्टिस होती है किसी चीज़ में, प्रैक्टिस होती है तब हमारा कोई भी वॉलेंट्री एक्शन जो हमारी इच्छा से होता है, पहले तो आपकी इच्छा से होगा वो काम, फिर बाद में आपकी इतनी हैबिट हो जाएगी कि वो काम अपने आप चाहोगे नहीं चाहोगे वो इनवॉलेंट्री अपने आप ही होगा। तो ये होता है, प्रैक्टिस से आता है। ये बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ को पहचानते हैं कि वॉलेंट्री एक्शंस लोगे, हमारी इच्छा से पहले कोई काम करोगे, फिर जाके बाद में जब मैथ भी ऐसी है, मैथ में आपको पहले खुद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वॉलेंट्री एक्शन कहलाएगा, जो फिर बाद में आपने करते जाओगे तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपका वो इनवॉलेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत सॉल्व कर दोगे, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गया। समझ पा रहे हो? आई होप समझ में आ रहा है आपको। फिर उसके बाद यही सब बातें इसमें दे रखी है। वी ऑल्सो, हमने देखो राइटिंग किया, तो हमने चेयर को मूव किया इधर उधर, हमारी मर्जी से है वो। क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। जैसे कि किसी भी प्रोग्राम में कोई किसी भी फंक्शंस में कोई प्रोग्राम होता है, या किसी, हम बोलते हैं कि प्रोग्राम खत्म हुआ, तो उसके एंडिंग में हम क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो ये सब वॉलंटरी हमारी इच्छा से है। हम ही बात करते हैं तो बेसिकली हम, ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे शरीर में जो पेरिफेरल PNS है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो मदद कर रहे हैं मुझे बोलने के लिए, मेरी मदद कर रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमारी एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, जिसमें हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, इसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, पैरालिस लकवा मारना कहते हैं जिसको, हम ये लकवा मार गया है, तो लकवा मारना होता है पैरालिसिस बीमारी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरालिसिस, पैरा मतलब साइड साइड में, और लाइसिस मतलब टूटना, मतलब कहने का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टूटने को बोलते हैं हम, जो ख़राब हो जाता है तब उसको बोलते हैं हम पैरालिसिस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। फिर आगे बोलते हैं, सो द ब्रेन आल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू द मसल्स, और इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जो ब्रेन होता है वो मसल्स को भेज देता है सिग्नल कि क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, करना क्या है। ठीक है,
फिर दिस इज़ द सेकंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो आपने सुना, रिस्पॉन्स क्या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका क्या होता है कि नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, बातें करता है, हमारे शरीर के अंदर बातें चलती है। हमारे जो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है बातें करना, एक दूसरे के ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीचों में। हर एक ऑर्गन के पास खुद का एक ब्रेन होता है। जैसे हमारे पास, हम पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास अपना ब्रेन है, ऐसे ही हर एक ऑर्गन के पास अपना एक खुद का एक ब्रेन है जिसको पता होता है कि मुझे कब क्या करना है। ठीक है, आगे बोलता है द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिएटेड। फैसिलिएटेड मतलब तो होता है कि टू मेक इजी। फैसिलिएटेड में क्या होता है, टू मेक इजी, किसी चीज़ को, काम को आसान बनाने को कहते हैं फैसिलिएटेड। टू मेक इजी, क्या किसी चीज़ को आसान बनाने को, लिख लो, आप नोटबुक है आपके पास तो आप लिख लो इस चीज़ को। आगे इसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर, बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, PNS को बोलते हैं, जो साइड साइड में लगी होती है। इवन जिस प्रकार से मैंने बात करी थी, यहाँ पर ब्रेन होता है, फिर यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, नीचे की तरफ जा रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर से होकर जाती है, बीच में से होकर जाती है। जैसे हमारी बैकबोन हो गई, बैकबोन के अंदर से इस तरीके से खोखली होती है बैकबोन हमारी, अंदर से इसके अंदर बहुत सारी होती है बैकबोन, इस प्रकार से लगी रहती है। सारी सारी क्या होती है, इनके बीच में छेद होता है, तो यहाँ से बीच में जाती है, इस प्रकार से बीच में से अंदर से होकर जाती है, इस प्रकार से डायग्राम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। अंदर से हड्डी के अंदर से होकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस प्रकार से पूरे शरीर में फैली हुई होती है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। जो कि क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स किसे बोलते हैं, जो हमारी खोपड़ी में होते हैं, जो सिर में हमारे होते हैं ना, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व से, ब्रेन से, और कहाँ से निकलते हैं, ब्रेन के पार्ट से और स्पाइनल नर्व से, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ से, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अगेन बोल रहा है यहाँ पर। फिर द ब्रेन थस अलोज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। ब्रेन फिर एक्शन भी लेता है उसके अकॉर्डिंग, क्या क्या चल रहा है एक्शन, बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। एज यू विल एक्सपेक्ट, जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया कि दिस इज़ अकम्प्लिश थ्रू ए कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। कि ये सब कहाँ से आता है, एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हमारे शरीर के अंदर से एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि हमने इस तरीके से आसान किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आता है सारी इन्फॉर्मेशन, विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हमारे शरीर के अंदर क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, और बाहर से क्या आ रहा है, ये दोनों ही डिपेंड किस पे होते हैं, ब्रेन पर डिपेंड होते हैं, कि ब्रेन उस पर कैसा रिस्पॉन्स करने वाला है। रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट, दैट मीन्स स्टिमुलस, हमारा ब्रेन ऑलवेज स्टिमुलस रहता है। एज यू विल, अपने इसे समझ में आ गई होगी आई होप आपको, कि द ब्रेन हैज़ थ्री सच मेजर पार्ट्स। के तीन पार्ट होते हैं, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद फोर ब्रेन के बारे में बता रखा है। ये पैराग्राफ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर आपको, इसके बाद जो हिंड ब्रेन का पैराग्राफ दे रखा होगा ना, फोर ब्रेन का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मिड ब्रेन का, फिर हिंड ब्रेन का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पार्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। जैसे फोर ब्रेन में आपको बताया जाएगा सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है अलग चीज़ होती है, सेरेबेलम होता है अलग होता है, सेरेबेलम अलग चीज़ होती है, दोनों ध्यान रखना। फोर ब्रेन में सेरेब्रम बताया जाता है, सेरेब्रम, और फोर ब्रेन फिर एक आता है सेरेबलम। ठीक है, सेरेबलम क्या होता है, वो आता है हमारे हिंड ब्रेन में। ठीक है, हिंड ब्रेन में आता है सेरेबलम, और सेरेब्रम आता है हमारे फोर ब्रेन के अंदर। सेरेब्रम का काम होता है हमारे वॉलेंट्री एक्शंस लेने का, सेरेब्रम का काम होता है, और जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसके अंदर जो होता है पार्ट, वो होता है सेरेबलम, उसका इनवॉलेंट्री काम होता है। ये चीज़ समझ में आई हो, आएगी आपको। सेरेबलम, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट अगेन होते हैं, हिंड ब्रेन के एक सेरेबलम होता है, एक पोन्स होता है, PONS पोन्स होता है, और तीसरा होता है हमारा मेडुला। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला पोन्स, PONS पोन्स, फिर सेरेबलम। ये तीन पार्ट होते हैं हमारे हिंड ब्रेन में। मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। थैलेमस पार्ट आता है, थैलेमस ग्लैंड होता है थैलेमस, और फिर थैलेमस के ही अंदर होता है हमारा हाइपोथैलेमस, लोअर पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब लोअर, और थैलेमस मतलब थैलेमस का पार्ट है, मिड ब्रेन का है ये पार्ट। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसमें ही आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी के अंदर आता है, मिड ब्रेन के ही अंदर आता है। अगेन फिर ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। While lucky education.